जहां बीते दिन सोनाली बेंद्रे को लेकर ये खबर सामने आ रही थी कि वो कैंसर ग्रस्त हो गई हैं, तो वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया को लेकर भी एक होश उड़ा देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आयशा टाकिया को कोई अनजान शख्स परेशान कर रहा है, वहीं इसके पीछे का कारण उनके पति का बिजनेस बताया जा रहा है। आयशा ने फरहान आजमी से शादी की थी। फरहान आजमी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे हैं। दरअसल इस बात की जानकारी खुद फरहान आजमी ने दी है। फरहान आजमी ने बीते दिन एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी आयशा टाकिया मेरी माँ और मेरी बहन को कोई परेशान कर रहा है। इस ट्वीट में फरहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी टैग किया है और साथ साथ उनसे मदद की गुहार लगाई है। इस ट्वीट के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि मुंबई पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि जबरन उनकी मां, उनकी बहन और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। वहीं इस पर फिलहाल अधिकारियों का कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। मुंबई पुलिस पर मदद ना करने का आरोप लगाते हुए फरहान आजमी ने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस ने उनके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना भी बंद कर दिया है। आपको याद दिला दें कि आयशा टाकिया ने टारजन, दिल मांगे मोर, सोचा न था और वॉन्टेड जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वहीं साल 2013 में आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया था। फाइनल कट न्यूज डेस्क। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।